उपस्थित हूँ नाला सुपारा में, और जहाँ नाला सुपारा में जश्न मनाया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने पर, क्योंकि आज सुबह शपथ ले चुके हैं देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद दिया गया है। आइए हम बात करते हैं इस क्षेत्र के नेता माने जाते हैं राजन नाईक, भारतीय जनता पार्टी के। इस समय हमारे साथ उपस्थित है राजन नाईक, हम बात करते हैं कि किस तरह से क्या जश्न और क्या उमंग है। राजन जी, सरकार बननी लगभग तय है, 30 तारीख को बहुमत साबित करना है, क्या उमंग क्या आशाएं है, रात भर का खेल, सर्जिकल स्ट्राइक या वाकई में जनता का जनादेश का सम्मान? ये जनता का जनादेश का सम्मान है। महाराष्ट्र के जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति को स्पष्ट बहुमत दिया था, उसका गत एक महीने से हमारे जो मित्र पक्ष था उन्होंने अनादर किया था, वो हमें छोड़ के दूसरे पार्टी के साथ जा रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए और महाराष्ट्र में अच्छा सरकार बनाने के लिए आज का जो निर्णय आदरणीय देवेंद्र जी ने और जो पवार साहब ने लिया, अजीत यादव पवार साहब ने जो लिया, बहुत अच्छा निर्णय है। महाराष्ट्र की जनता, हमारे नाला सुपारे की जनता इसके लिए बहुत खुश है। इसलिए हमने आज का ये लोगों ने, कार्यकर्ता ने आज का जश्न का आयोजन किया है। लड्डू बांटे, फटाखे फोड़े, बेंजो किया, बैंड लगाए, बहुत लोगों में खुशी है। क्या आपको लगता है कि विकास की सरकार निश्चित रूप से बनेगी और जो विश्वास था लोगों का वही दिखाई देगा? विकास के लिए सरकार निश्चित रूप से बनेगी और सरकार 5 साल चलेगी, दौड़ेगी और महाराष्ट्र में बहुत अच्छा विकास होगा, सभी लोग सुखी संपन्न आनंदी आनंदित रहेंगे, ऐसे पूरे महाराष्ट्र की जनता को विश्वास है। ऐसे मौके पर शिवसेना के लिए क्या संदेश है आपका? मुझे कुछ संदेश शिवसेना को, हमारे मित्र पक्ष है उसको कुछ संदेश नहीं देना है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार चलेगी, यह हमें विश्वास है। लगभग सारी बातें तो तय है कि 30 तारीख को बहुमत साबित करना है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन एक बात आप मान लीजिए कि सरकार बनने के साथ ये बात तो तय हो गया कि जिसको स्पष्ट बहुमत मिला उन्होंने जो किया उसका पलटवार देवेंद्र फडणवीस ने दिखा दिया। अब ये देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में 30 तारीख के दिन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना दम और खम दिखाकर सरकार आगे बढ़ाती है। धन्यवाद।